सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बीएचयू आईआईटी मैदान का निरीक्षण करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। निरीक्षण के बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे साथ दुर्गेश यादव जुड़ गए हैं वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने वाला है, इसको लेकर आज वो तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। कहां कहां पर मुख्यमंत्री आज जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि जब भी मुख्यमंत्री वाराणसी आते हैं तो एक अलग ही यहाँ पे एक मुख्य उद्देश्य उनका माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार तो एक अहम ही बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वह संसदीय क्षेत्र में 8वीं बार आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत लंबे अंतराल कोविड के बाद लंबे अंतराल के बाद यहाँ आ रहे हैं पीएम, और उन्हीं के कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पीएम जब भी यहाँ वाराणसी आ रहे हैं 15 जुलाई को, मैं आपको बता दूं कि 1582.93 करोड़ की सौगात देंगे, 142 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मैं आपको बता दूं कि उसी का जायजा लेने के लिए, और जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हर एक सुरक्षा की व्यवस्था लेने के लिए कड़ी सुरक्षा यहाँ पे है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से वाराणसी और मथुरा और लखनऊ जैसे ऐसा अलर्ट किया गया है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था लेंगे और यहाँ पे सीएम। और मैं आपको बता दूं कि वह सीधे 12 बजे आएंगे, 12 बजे आने के बाद बीएचयू हेलीपैड पे उतरेंगे, वहां से उतरने के बाद सीधे बीएचयू जाएंगे, बीएचयू आईआईटी जहाँ पे मंच बन रहा है पीएम का, वहां पे जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद, और मैं बता दूं कि बीएचयू जाएंगे, वहां पे कोविड विंग्स का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद मैं आपको बता दूं कि वो सीधे आएंगे सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद किस तरह से तैयारियां हो चुकी अपने कार्यकर्ताओं का, कोई भी अगर नहीं भी हुई है तो उनको दिशा निर्देश देंगे। दिशा निर्देश देने के बाद वह लगभग 2 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी आशीष जी, धन्यवाद आप।